नमस्कार, समाचार रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील से। तपती धूप में धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करने वाले अन्नदाताओं की किस्मत में न जाने क्यों परेशानी लिखी है। कभी अधिकारियों की लापरवाही तो कभी केंद्र पर माल तोल कर रहे कर्मचारियों की मनमानी, सभी अंजाम किसान को ही भोगना पड़ रहा है। किसानों द्वारा अपनी समर्थन मूल्य केंद्र पर अपनी उपज तुला दी गई है, परंतु आज तक टोकन न होने के कारण ऑनलाइन एंट्री नहीं हो सकी। इससे परेशान होकर किसान को केंद्र के बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। देवरी उपमंडी में 2 समर्थन मूल्य केंद्र बनाए गए हैं, परंतु थाला दिगाबन केंद्र पर 30 किसानों की उपज तुले हुए 17 दिन हो गए हैं। उसी प्रकार उदयपुरा में 4 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें किसानों की आज तक ऑनलाइन एंट्री नहीं हो सकी, जिससे किसान प्रतिदिन केंद्र के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर किसानों का कहना है कि इस समस्या का जल्दी समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। भाई साहब, हम लोग जितने भी किसान हैं यहाँ पर करीब 20 दिन से परेशान हो रहा है। किसी किसान का 6 तारीख को माल तोला, किसी किसान का 7 तारीख को माल तोला, किसी किसान का 8 तारीख को माल तोला, लेकिन यहाँ के जो फूड इंस्पेक्टर महोदय है उनका पोर्टल खुलवा रहा है। 20 तारीख तक उन्होंने डेडलाइन दी थी कि 20 तारीख को यदि पोर्टल ना खुला तो आप लोग आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है। 20 तारीख को उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला 10 दिन और इंतजार करो, और अब फोन भी नहीं उठा रहे हमारा। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि पोर्टल खुलकर हम किसानों को भुगतान पहुंचे प्राप्त हो। किस सोसाइटी के माध्यम से तो लाएगा? गाय बयान सोसाइटी वाले। कितने किसान, लगभग कितना अनाज है जो जिसका भुगतान नहीं हुआ? 216 किसान तो सिर्फ गाय बयान सोसाइटी में ही है, बाकी आपकी नूरनगर सोसाइटी और बोरा सोसाइटी के किसान अलग है, बेदनिया सोसाइटी और यही हाल देवरी सोसाइटी का भी है। सभी किसान परेशान हो रहे हैं, यहाँ कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता, ना सोसाइटी के प्रबंधक मिल रहा है, ना कोई जवाबदेही सरकारी कर्मचारी मिल रहा है, इसलिए हम लोग आंदोलन करने के लिए उतारू हैं। क्या है उदयपुरा से यशपाल लोधी की रिपोर्ट।